टीचर्स को तो कुछ बताना जो है मैं नहीं समझता कि किसी के लिए संभव है। हम लोग जो कुछ भी सीखे हैं वो टीचर्स से ही सीखे हैं। आदमी किधर भी पहुंच जाए, यहाँ तो बताया कि नर्सरी केजी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट तक के लेवल के टीचर है। कोई भारत का राष्ट्रपति भी बन जाए, उसके सामने उसका केजी का टीचर भी आ जाए तो उसको सारा काम छोड़ के उसको नमन करने का और उसको जो है चरण स्पर्श करने का मन करता है। मैं कोई आपको कोई सजेशन देने के लिए नहीं आया। बताया गया था, पिछले साल भी मैं आपके इस कॉन्क्लेव में आया था, तो यहाँ टीचर्स इतने मनोयोग और भाव से शामिल हुए हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में। कभी कभी लोग फेस्टिवल में फेस्टिवल की तरह आ जाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा फेस्टिवल है इसलिए इधर उधर घूमते हैं। हम लोग अपनी बड़ी बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में भी देखा है कि तनी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से भी आते हैं, कभी कभी पूरे देश भर से आते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन जब देखते हैं कि एकेडमिक सेशन होता है तो बहुत सारे लोग उसमें से गायब होते हैं, वो सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं, कोई दिल्ली शहर में घूम रहा होता है, कोई मुंबई में घूम रहा होता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए भी हैं और उसके साथ साथ अपने जो सेशंस हैं उनको गहराई से उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ये मेरे लिए अत्यंत खुशी की और संतोष की बात है। ये भी मुझे बताया गया कि जो भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके संदर्भ में भी आप लोगों ने गंभीर चर्चा की है और उसके संदर्भ में भी अपने सुझाव इत्यादि यहाँ पर रखे हैं। विज्ञान तो आप लोग चूँकि पढ़ाते हैं तो विज्ञान के बारे में तो जितना संकल्पना मुझको एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में हुई है, आपको भी उसी प्रकार का भाव जो है इतने साल साइंस को पढ़ाते पढ़ाते हो गया होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ पाया हूँ, जो मैं पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनने के बाद समझ पाया कि विज्ञान को पढ़ाने के साथ साथ योजनाबद्ध तरीके से अगर हम उसका दर्शन, अगर हम उसका बच्चों को कराने की योजना अगर ठीक से बना पाए, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड पर और क्लास में लेक्चर से समझ में आती है बात, वो समझ में भी आती है, पास होने के लिए नंबर लेने के लिए भी पर्याप्त होती है, लेकिन अकेले वो पैशन को, साइंस के प्रति उत्साह को, साइंस के प्रति श्रद्धा की भावना को विकसित करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं होते। और उसके लिए टीचर रहते हुए साधन कम है या ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान में आया है कि जितना अधिक से अधिक हम हमारे बच्चों को साइंस का होते हुए, साइंस की उपलब्धि को डेवलप होते हुए, साइंस की उपलब्धि को एस्टैब्लिश होते हुए, साइंस की उपलब्धि का समाज के लोगों को लाभ होते हुए, और ये खासकर तीसरी वाली चीज़ तो ऐसी है कि आप पढ़ाते पढ़ाते जो है आपके इर्द गिर्द चारों तरफ हर जगह साइंस की उपलब्धि उपलब्ध है, आप उसके साथ अगर पढ़ाई को जोड़ दें तो वो जो बात है वो शायद बच्चे को और ज़्यादा गहराई से समझ में आती है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो फिज़िक्स के टीचर हम लोगों को अक्सर रेफ़र करते थे कि दिल्ली में नेशनल फिज़िकल लेबॉर्ट्री है, उसके बारे में रेफ़र करते थे, यहाँ पैरामीटर्स होते हैं, ये वेट का, लेंथ का, इसका, उसका, सब चीज़ें स्टैंडर्ड्स यहाँ डेवलप होते हैं, सारी बातें बताया करते थे। लेकिन दिल्ली में भी पढ़ते समय और दिल्ली में ही
साइंस की इतनी बड़ी लेबॉरेटरी जिसको फिजिक्स के टीचर हमेशा रेफर करते थे, हमको उसको कभी देखने का मौका नहीं मिला। देखने का मौका लेने के लिए पूरे एक प्रकार से 5-6 दशक लग गए, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनने का मौका मिला और उस लेबॉरेटरी को हमने पहली बार विजिट किया। देखकर वहाँ पर इतना ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई कि किस प्रकार से एक एटॉमिक क्लॉक है जो एटम के ऑसिलेशन से जो है उसकी जो सारी टाइमिंग होती है उससे सारे इंटरनेशनल टाइम कोऑर्डिनेट और कैलिब्रेट होते हैं, उससे पार्लियामेंट की घड़ी जो है कैलिब्रेट होती है साथ में, और कई बिलियन ईयर्स में वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड जो है वो गड़बड़ कर सकती है। अब ये सारी चीज़ें अगर, या जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर साथ साथ देखने का मौका मिले तो शायद विज्ञान के प्रति जो है बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा हो। मैं जितने दिन साइंस की लेबॉरटरीज में सारे देश भर में घूमा, लगभग हर प्रकार की साइंस को अपनी आँखों से बहुत नज़दीक से लेबॉरटरी में होते हुए देखा, उसकी उपलब्धि को लोगों को हासिल करते हुए देखा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर ये मुझको मेरे स्कूल टाइम में देखने को मिलता तो हो सकता है कि, वरना तो बचपन में क्या होता है कि ये पता नहीं समाज का ऐसा वातावरण है कि माँ बाप ऐसा बना देते हैं, क्या बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर, डॉक्टर या इंजीनियर, यही दो प्रोफेशन रहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, इसके अलावा कोई तीसरी बात कोई नहीं करता है। और इसलिए जब पढ़ाई में अगर आप अच्छे हैं तो आपके माइंड में वही घूमता है, डॉक्टर या इंजीनियर, इंजीनियर है तो IIT में जाना है और डॉक्टर है तो फिर अच्छे किसी मेडिकल कॉलेज में जाना है। लेकिन अगर मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ अब इतने साल के बाद और लेबॉरटरीज के अंदर होते हुए काम को बड़े उत्साह के साथ देखने के बाद, कि अगर बच्चों को कुछ इस तरह का दर्शन भी बचपन से हो विज्ञान का नज़दीक से, तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे पैशन के साथ अपनी, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एक वैज्ञानिक बनना होगी, उनको वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में उस तरीके से बताना पड़ेगा, वैज्ञानिक इतने महान कैसे बने ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में पिछले 5 साल में रिसर्च करके एक किताब का पब्लिकेशन किया, मुझे लगता है जो लोग, कम से कम कुछ लोगों तक वो पहुंचानी चाहिए, कि अपने देश के 55 महान वैज्ञानिकों के जीवन को हम लोगों ने अध्ययन कराया, उनके जो भी स्टूडेंट्स जीवित थे, उनके जो भी रिश्तेदार जीवित थे, उनके सहयोगी जीवित थे, कि अगर सी वी रमन बने तो कैसे बने, जगदीश चंद बोस बने तो वो कैसे बने, क्या उनके जीवन की महानताएं थी, और बीरबल साहनी बने तो वो कैसे बने, मेघनाथ साहब बने तो कैसे बने। तो सबके जीवन की इतनी सारी महानताएं, विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी चीज़ों से बच्चों को रूबरू कराना ज़रूरी है। इसलिए हमारे पिछले 5 साल की इस सरकार में, आप सब जानते हैं कि एक जिज्ञासा नाम की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया HRD मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, और 1,00,000 बच्चों को हम अभी CSIR की बड़ी बड़ी लेबॉरटरीज में कई हफ्ते के लिए भेजते हैं, छुट्टी के पीरियड में जब वकेशंस होती हैं, उनका रहने का इंतज़ाम करते हैं, उनका खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनको फिर लेबॉरटरी के अंदर जाकर वो, चाहे वो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही हो, चाहे वो प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का विषय हो, चाहे वो कोई कोल माइनिंग की रिसर्च हो, हर एक चीज़ को नज़दीक से जब दिखाते हैं तो बच्चों के अंदर हमने देखा कि बहुत नए किस्म का भाव पैदा होता है, उनके मन में साइंस
को अडॉप्ट करना, साइंटिस्ट बनना खाली इतना ही नहीं, उनको ये ध्यान में आता है कि अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ तो रिसर्च करके मैं देश के लिए बड़ी बड़ी महान उपलब्धियाँ हासिल करके दिखा सकता हूँ, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करके दिखा सकता हूँ। जब उनको सीधे सीधे नज़र आता है कि कैसे जो है एक बायोमास से जो है 24 घंटे में कई हज़ार लीटर जो है 2G इथेनॉल बन जाता है, कैसे जो है सारी सॉलिड वेस्ट से जो है बिजली बनती है, कैसे क्या होता है, तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही अनुरोध है। मैं टीचर्स को तो क्या बताऊंगा कि साइंस के साथ जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं पहले ज़िंदगी भर हेल्थ में काम किया है, अभी भी मुझे हेल्थ में काम करने का मौका मिल रहा है और हेल्थ के प्रति बहुत पैशन भी था। 4 दशक हेल्थ में काम किया, नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पे काम किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम किया, लेकिन 5 साल मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में काम करने का मौका मिला, तो मुझे लगा ये एक तरह से ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन डिसगाइज था मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और अभी जब दोबारा से हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों में काम करने का मौका मिल रहा है तो और भी ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको सबको टीचर बनने का मौका मिला है, ये अपने आप में बड़े इसको मैं भाग्य की बात कहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं टीचर बन गए क्या, कई बार इसको सबसे एंड की ऑप्शन रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो टीचर बनने के लिए फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी रख के टीचर बने वो सही मायने में बहुत भाग्यशाली है और विजनरी है, क्योंकि एक टीचर की मदद से ही वो चाहे टीचर विज्ञान का हो या इकोनॉमिक्स का हो या हिंदी का हो या अंग्रेज़ी का हो, दुनिया का बड़ा सा बड़ा आदमी जो है उसका जो निर्माण है वो एक टीचर के माध्यम से ही हुआ है। और बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी हम अगर सीवी रमन साहब को भी स्टडी करेंगे, जीवन उनका, बोस जी का भी जीवन स्टडी करेंगे, तो उनके मन में भी हृदय में भी साइंस के प्रति इतना बड़ा जज्बा अगर किसी ने पैदा किया होगा तो उनके किसी टीचर ने किया होगा। इसलिए आपको सबको उसी भाव से मैं समझता हूँ कि अपने प्रोफेशन को लेना चाहिए, उसके अंदर नए नए टीचिंग के अंदर कैसे इनोवेशंस विकसित किए जा सकते हैं। सरकारी व्यवस्था में तो आपको रूटीन बातें तो आपको सब मिलती होंगी, कोर्स मिलता होगा, सिलेबस मिलता होगा, इम्तहान के अंदर इतनी क्लासेस लेनी है, इतना पढ़ाना है, लेकिन उसमें क्या इनोवेशन हो सकता है, कैसे आपके जीवन में ये टारगेट पैदा हो कि आप की क्लास में कोई ना कोई तो बड़ा वैज्ञानिक पैदा होना चाहिए। बहुत ज़माने से हमें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला तो कैसे कम से कम मैं एक तो टारगेट करूं कि मैं ऐसा निर्माण करके भेजूं अपने स्कूल से कि वो भविष्य का नोबेल प्राइज़ विनर हो सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी, इसमें ये सारा जज्बे का खेल है, जज्बे से पढ़ाना, जज्बे से पढ़ना और जज्बे से अपने काम को करना। तो बड़ा अवार्ड लेता है और जो नहीं ले पाता उसकी शायद इंटेलेक्चुअल एक्यूएन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 100% 99% बहुतों के आते हैं, लेकिन जिसके पास जज्बा होता है और पागलों की तरह जो काम कर सकता है। बेंगलोर की एक लैब में मैं गया था साइंस मिनिस्टर के रूप में, तो अभी मैं पूछता रहता हूँ जब जगह कहीं भी जाता हूँ, भाई कोई नोबल ला के देगा क्या? तो एक साइंटिस्ट ने मुझको बोला कि सब मैं ला के दूँगा। तो उसकी छोटी सी लेबॉरेटरी थी, उसमें दुनिया भर का चारों तरफ सामान फैला हुआ था और कहीं तार कहीं कुछ ऐसे लगता ही नहीं था कि कोई लेबॉरेटरी जैसी है। उसने कहा सर मैं ला के दूँगा। तो मैंने फिर बाकी लेबॉरेटरी के लोगों से पूछा कि एक आदमी है मुझे मिला, वो कहता मैं नोबल आपको किसी दिन ला के दूँगा, आपको लगता है कि ला सकता है ये? तो सारे वैज्ञानिकों ने बोला हाँ साहब ये पागलों की तरह काम करता है, हो सकता ले आए। तो मैंने जैसा कहा कि सिर्फ जज्बे का सारा फ़र्क है, तो जो भी आपको जीवन में उत्तरदायित्व मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अंदर जज्बा ऐड करिए, पैशन ऐड करिए
और आपका सबका व्यक्तिगत टारगेट होना चाहिए कि आपके जीवन में आपके कंट्रीब्यूशन से बड़े महान वैज्ञानिक देश को मिले। और विज्ञान के माध्यम से ही अब बची हुई जितनी देश और दुनिया की समस्याएं हैं मानवता की, उनको सॉल्व करने की किसी में क्षमता है तो वो सिर्फ विज्ञान में है। और उस क्षमता को परख कर, उस क्षमता का एहसास बच्चों को कराने की अगर किसी में योग्यता है तो वो आप सब में है। तो इस भाव से आप सब काम करेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हम लोगों ने करना शुरू किया, इसके पीछे का भाव यही है कि एक बड़ा आंदोलन देश में विज्ञान के प्रति विकसित हो। साइलेंटली सारे देश में विज्ञान से जुड़े हुए लोग, वैज्ञानिक लोग, रिसर्चर्स और खासकर स्टूडेंट्स जो कल के वैज्ञानिक हो सकते हैं, ये सब लोग एक साथ मिलकर एक प्लेन पर सोचना शुरू करें। और एक दिशा में प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2030 तक हम दुनिया के टॉप 2-3 साइंटिफिक नेशंस में से एक भारत को बनाना चाहते हैं। उसमें हमारा, आपका, सबका क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसका एहसास सारे साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों को दिलाने का ये प्लेटफॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। उसी भाव से इसकी संकल्पना की गई है, उसी भाव से इसको डेवलप किया गया है। और हर साल मैं देखता हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा उत्साह के साथ लोग आते हैं, पिछली बार से ज़्यादा बेटर जज्बा होता है। और शायद हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में इसको और ऊंचाइयों तक आप सबकी मदद से हम लोग लेकर जाएंगे। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे इस बात का सौभाग्य दिया यहां पर बुलाकर आपसे रूबरू होने का। मैं इसके लिए भी अपने नकुल पराशर जी का और इनके सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।